मित्रों नमस्कार, मैं सुशील कुमार जैन, जिला समन्वयक साइंस सेंटर ग्वालियर भोपाल और राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय नई दिल्ली के यश 2021 कार्यक्रम का जिला समन्वयक आपसे अपील करता हूं। आपको ये बताने आया हूं, मैं कोविड-19 के संदर्भ में एक काउंसलर के रूप में आपके सामने प्रस्तुत हूं। और यश 2021 क्या है? ईयर ऑफ अवेयरनेस साइंस हेल्थ 2021। कोविड-19 कोरोना संक्रमण के चलते राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार ने एक कार्यक्रम लॉन्च किया है, जिसको मध्य प्रदेश में जो लॉन्च किया है वो किया है साइंस सेंटर ग्वालियर भोपाल ने। ये एक संस्था है जो आप लोगों को कोविड कोरोना संक्रमण से बचाने के तरीके और बचने के तरीके और किस तरीके से हमें कोविड और कोरोना संक्रमण के साथ जीना है ये बताया जाएगा। और यदि आपको मनोवैज्ञानिक तरीके से कोई काउंसलर की जरूरत है, आप कोविड से पीड़ित हैं या संक्रमण से पीड़ित हैं, तो घबराएं नहीं, डरे नहीं, अपने बीमारी को शेयर करें और अपने जो विचार आए उनको, जो नकारात्मक विचार आ रहे हैं उनको शेयर करें, उनको सकारात्मकता प्रदान करने का काम हमारा रहेगा। आपका विल पावर हम बढ़ाएंगे और हम आपको, अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं तो आपको उससे बाहर निकालने में मदद करेंगे। और दूसरा है कि जो लोग कोविड पॉजिटिव नहीं हैं, उनको इस तरीके से प्रेरणा दी जाएगी कि वो कोरोना या कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करें, खुद को भी सुरक्षित रखें, अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखें। मैं कोविड के संदर्भ में काउंसलर के रूप में आया हूं। किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है और ना ही डरने की आवश्यकता है। देखिए, हम आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के युग में रह रहे हैं, तो हमें इतना तो, हमें इतना कॉमन सेंस तो होना चाहिए कि हम पिछला जो फेज गया था उससे कुछ सीख सकते हैं और हमें इसको साइंस वाले अप्रोच से लेके चलना पड़ेगा। हवाबाजी में कोरोना से नहीं लड़ा जा सकता। किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, ना ही डरने की आवश्यकता है। कोरोना अब जाने वाला नहीं है, मेरी बात पे गौर करिएगा। देखिए, हम जब वुहान से स्टार्ट हुआ तो कोरोना आने में समय लगा, है ना। भारत के जो सुदूर प्रांत थे उनमें आने में देर लगी उसको, पर वो आया जरूर। आने के बाद उसने जो पिछला फर्स्ट फेज था उसमें चूंकि शासन प्रशासन ने पहले से सारा सिस्टम जमा के लॉकडाउन लगा दिया था, तो उसका प्रभाव कम था, है ना। और हुआ क्या कि जैसे ही हम उससे बाहर निकले, एक फेस निकला, और जैसे ही हमारी इम्यूनिटी, हमारी बॉडी जो है वो एडॉप्ट कर लेती, किसी भी चीज को एडॉप्ट किया, हमारी इम्यूनिटी बढ़ी, हर्ड इम्यूनिटी बढ़ी और हमें लगने लगा कि कोरोना तो गए। हम फिर से हमारी उस लापरवाही करने लगे, हमने मास्क छोड़ दिए, हम बिंदास घूमने लगे, शादी पार्टी सोशल गैदरिंग ये सब करके आज हमने वापस से उसको निमंत्रण दिया है, पीले चावल दे दिए हैं कोरोना को। वो तो आ गया, वो तो अब क्या करोगे। तो देखिए, आप सभी ने, मतलब कोरोना अब जाने वाला नहीं है, अतः हमें इसके साथ ही जीना होगा। देखो, जीने के दो तरीके हैं, या तो आप कोरोना से दोस्ती कर लो, मतलब कोरोना को अपने जीवन का हिस्सा बना लो कि वो आके आपके इसमें एंटीबॉडी बन के या एंटीजन बन के पड़ा रहे, या फिर आप उससे फाइट कर लो। फाइट कर लो तो अपने बॉडी का इम्यून सिस्टम बढ़ा लो। वो तरीके इसमें बताए जाएंगे, तो हमें खुद को इस तरीके से तैयार करना है, ऐसी आदतों का विकास करना है होगा कि हम इसे हरा सके, कोरोना से हम अपने आप को बचा सके, अपने आसपास वालों को बचा सके। और सबसे बड़ी बात है कि अभी जो फेस आया है, पहले का जो फेस था उसमें सिर्फ ये कहा जा रहा था कि जो
40 45 50 से ऊपर वाले 60 से ऊपर वाले लोग हो रहे हैं, पर अब ये बच्चों में बहुत तेजी से फैल रहा है, बहुत स्पीड ज्यादा है बच्चों में फैलने की और क्रिटिकल कंडीशन तक बच्चे जा रहे हैं। तो हमको अपनी जनरेशन को बचाना है तो पहले खुद को रोल मॉडल बनना पड़ेगा, तब तो बच्चे बनेंगे। तो मैं आपसे ये कह रहा था, ये एक निवेदन था। देखिए, अच्छा मैं इसका एक साइंस जो वैज्ञानिक पहलू है, साइंटिफिक अप्रोच है, वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। आप सभी ने कक्षा चौथी से लेकर अपने उच्च स्तर तक की कक्षाओं में अनुकूलन शब्द पढ़ा होगा और सभी ने पढ़ा है। अंग्रेजी में इसको एडेप्टेशन कहते हैं। बहुत अच्छे से पढ़ा है, समझा है, उसके महत्व को जाना है, किंतु कितना परीक्षा में लिखने। तो हम बात कर रहे थे अनुकूलन के बारे में। अनुकूलन मीन्स अंग्रेजी में एडाप्टेशन, एडाप्टेशन मीन्स फिटेस्ट टू सर्वाइव। मैं आपको फिर से ये बता देना चाहता हूं ताकि आप उसको समझ पाए और समझ पाए तो उसके अनुसार काम कर पाए, क्योंकि सीधी सी बात है कि कॉज एंड इफेक्ट, साइंस में कॉज एंड इफेक्ट, कारक और उसके प्रभाव, अभी कारक और उसके प्रभाव आपको समझना पड़ेंगे और इसीलिए मैं आपको अनुकूलन को समझाने जा रहा हूं। अनुकूलन या एडाप्टेशन जीवित वस्तुओं का वह कौशल, देखिए मैंने इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से जो विज्ञान की परिभाषा है उसको मैंने थोड़ा सा बदला है, कौशल शब्द, स्किल शब्द में लेके आया हूं, जो उन्हें आसपास का आसपास के वातावरण, परिवेश एवं बदलती परिस्थितियों के अनुसार ढलना सिखाता है। देखिए अनुकूलन या एडाप्टेशन जो है जीवित वस्तुओं में का वह कौशल है, अनुकूलन या एडाप्टेशन जीवित वस्तुओं का वह कौशल है या स्किल है जो उन्हें आसपास के वातावरण, परिवेश एवं बदलती परिस्थितियों के अनुसार ढलना सिखाता है। अन्य शब्दों में कहें तो व्यक्ति पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित कर जीवित रहता है या अपने अस्तित्व को बचाने वाली आदतों का विकास कर लेता है। देखिए अब कोरोना संक्रमण हमारे परिवेश के आसपास का हिस्सा हो गया है, तो हमको वो स्किल डेवलप करना पड़ेगी कि हम कोरोना के साथ कैसे जिए, उसके साथ हम अपने शरीर की जो प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको कैसे बढ़ाए और हम उसमें सर्वाइव कर पाए। अगर हम ये नहीं कर पाए, हमने अपनी आदतों को नहीं सुधारा, हम वही दुस्साहस करते रहे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बस हमें भी यही करना है, हम तो मानव है, हम लकी हैं कि हमको बताने वाले, हमको समझाने वाले, हमारे सामने इतने सारे गजट्स और डेली सरकारी शासन से और इतना सोशल मीडिया पे हर जगह जो आ रहा है, सकारात्मक चीजों को आप एडाप्ट करें और हम उसको आत्मसात करें, अनुसरण करें उसका। ध्यान रखने वाले सभी मौजूद हैं हमारे साथ में, किंतु हमारी जिद, हमारी लापरवाही और दुस्साहस के चलते, देखिए मैं आपको कुछ शब्द वापस से रिपीट करता हूं, हमारे आसपास सारी चीजें मौजूद है हमारे पास, हम खुद अपने आप को बचा सकते हैं, पर हम क्या कर रहे हैं, हमारी जिद, हमारी लापरवाही और हमारे दुस्साहस के चलते हम डायनासोर वाली श्रेणी में आने को बेताब है। ये समझना होगा हमको कि हमको डायनासोर की तरह एक्सटिंक्ट होना है या फिर हमें फिटेस्ट टू सर्वाइव करना है। देखिए कोरोना कोविड एक संक्रमण है, थोड़ा सा सीवियर है, यदि इसको शुरुआती दौर में संभाल नहीं लिया जाए। देखिए ये 5 दिन तक का वक्त देता है किसी भी मरीज को ताकि वो अपने आप को संभाल ले, पर हो क्या रहा है कि हमें हल्का सर्दी जुकाम बुखार आया, हमने क्या किया कि उसको या तो छुपाया है ना, और हम अपने घर का इलाज करते करते हमने किसी जो चिकित्सक है, अथराइज्ड जो पर्सन है, जो मेडिकल लाइन के लोग हैं, उनसे हमने कोई सलाह नहीं ली, उनको नहीं दिखाया, हम कब गए उनके पास,
हम तब जाते हैं जब हमारी स्थिति विकट हो जाती है, हमारे आपे से बाहर हो जाती है, उस स्थिति में वो भी क्या करेगा। और यही स्थितियां बनी उसके बाद जब हमें पता है कि हमको सर्दी जुखाम, तो वैसे भी किंग ऑफ द अंस है, किंग ऑफ द इलनेस है, मतलब सर्दी जुखाम को तो वैसे भी आयुर्वेद में राजा कहा गया है बीमारियों का। हाँ, उसकी औकात कुछ भी नहीं है, सिंपैथी नहीं मिलती आपको उससे, और वो बड़ी शुरू से ही वो इन्फेक्शियस डिसीज रही है, पर हम उसको बड़े लाइटली लेते रहे। और कोरोना का जो शुरुआती दौर उसी से आता है, ये फर्स्ट फेज के थे सिम्टम्स, अब वो सिम्टम्स भी बदल गए हैं। तो हमें समझना पड़ेगा ना, एक नॉर्मल बुखार है या आपको नॉर्मल अनइज फील हो रहा है, हल्का सा सर दर्द है, हल्की सी चीजें, तो ये भी जरूरी नहीं कि आपको कोविड हो सकता है और कोविड नहीं भी हो सकता है, दोनों चीजें। देखिए, साइंस ये कहता है कि आपको अगर ये हाइपोथेसिस बनाए कि भाई मुझे कोविड नहीं है, तो इस हाइपोथेसिस को टेस्ट भी तो करना पड़ेगा ना, कि भाई आपको कोविड नहीं है तो तय कौन करेगा? आप तय करेंगे कि ऑथराइज पर्सन तय करेगा, चिकित्सक तय करेगा, जो शासन के जो नियमानुसार जो चिकित्सक है वो तय करेंगे। अगर वो तय करते हैं, आप टेस्ट करवाते हैं, टेस्ट करने में आपको पता लगेगा ना कि आपकी जो हाइपोथेसिस है कि मुझे कोरोना हो ही नहीं सकता, ये एक हाइपोथेसिस है। हम क्या संकल्पना में हम ये चल रहे हैं, इसी के चलते हम क्या हमारी जीत, हमारी लापरवाही और हमारा दुस्साहस हमको इस स्टेज तक ले आया है। वरना तो क्या है कि कोरोना तो चला ही गया था ना बेचारा, तो घबरा गया था, पर हमने उसको मौका दिया, वापस से वो फेवरेबल कंडीशंस अवेलेबल करवाई कि वो म्यूटेंट बन सके। अब फोर्थ म्यूटेंट, ये फोर्थ म्यूटेंट है और ये इंडियन म्यूटेंट है। तो कोरोना तो क्या है कि सीडो है, वो छदम है, वो जिस तरीके से व्यक्ति एक चेहरे पे दूसरा चेहरा लगा लेता है, उसी तरीके से कोरोना भी क्या कर रहा है कि अपनी डिजाइन बदल रहा है, अपना आरएनए डीएनए बदल रहा है। समझने की कोशिश कीजिए, छदम है वो, अपने आसपास आस्तीन का सांप है वो, तो उससे तो बचना पड़ेगा ना। बचने के लिए हमको वो सारे डिवाइसेस यूज करना पड़ेंगे, मास्क, सैनिटाइजर, हैंड वॉशिंग यूनिट और ये सारी चीजें, हम उनसे बच नहीं सकते। तो कोरोना में दो तरह की चीज होती है, एक तो कोरोना नेगेटिव होता है, एक कोरोना पॉजिटिव होता है। जो कोरोना पॉजिटिव होता है उसमें कोविड 19 माना जाता है कि वो कोविड 19 से पीड़ित है, और जो कोरोना नेगेटिव होता है मतलब वो कोविड 19 से पीड़ित नहीं है। देखिए, अब हम कोरोना नेगेटिव की बात करें तो कोई भी अमर जड़ी खाकर नहीं आया है, अमृत्व की दवा इमोर्टिलिटी वाली कोई भी ऐसी उसने मेडिसिन नहीं ले ली है कि वो बिना बगैर मास्क और बिंदास घूमेगा तो उसको कोरोना होगा ही नहीं। मैंने सुना है गांव वालों से, हमारे गांव में तो कोरोना है ही नहीं, हमारे गांव में तो आ ही नहीं सकता, ये तो चोचले वाले लोगों की है बीमारी, ये तो सिटी वाले लोगों की बीमारी, ये एसी में सोने वाले और घूमने वालों की बीमारी। अब वो गांव में भी पहुंच गया और गांव में भी उसने निपटाना शुरू कर दिया है लोगों को। समझने की कोशिश करें, कोरोना को कोई मतलब नहीं है कि हमारे पास पैसा है या नहीं है, ये सिटी से आया है, गांव से आया, वो संक्रमण है, वो वायरस है, जब आप संपर्क में आए आपके अंदर उतर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो समझने की कोशिश करें, मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बड़े बूढ़ों से लेकर सभी को बचाए, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करें, खुद की सुरक्षा करके। फर्स्ट फेज के में बच्चे बहुत कम संक्रमित थे और इन्फेक्टेड भी बहुत कम थे, किंतु अब बच्चों में फैल रहा है, बहुत स्पीड से फैल रहा है और म्यूचुअल फैल रहा है। म्यूचुअल का मतलब है कि परस्पर एक दूसरे के साथ। आप क्या करेंगे? अपनी पीढ़ी को बचा लीजिए, आप समझ जाइए, क्योंकि आपकी जो आदतें थी आपने वो चीज डेवलप ही नहीं की, वो हैबिट डेवलप नहीं की, तो आप अपने बच्चों को क्या, आपके बच्चों के लिए आप क्या रोल मॉडल बने? फिर आपके बच्चे अगर हो रहे हैं, वो भी पॉजिटिव हो रहे हैं, तो ये आपकी गलती है। बिल्कुल बिंदास बच्चे खेल रहे हैं, पूरे टुल्लर होके वो गेम्स स्पोर्ट्स उनका चल रहा है, बहुत सारी एक्टिविटी चल रही है, तो उसको रोकना पड़ेगा, अभी हाल फिलहाल तो रोकना ही पड़ेगा। आप स्वयं अपने कॉमन सेंस का उपयोग करें, पिछले फेज का अध्ययन करें और फिर समझें
स्थिति को जाने, आप स्थिति बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। भाई मैं साइंटिफिक विजन की बात कर रहा हूँ, मैं वो सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप पे चलने वाले उन चीजों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ कि एक आदमी पिछले हिस्ट्री से, अपनी हिस्ट्री से कुछ तो सीखो। हिस्ट्री कोई गड़े मुर्दे उखाड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, हिस्ट्री हमको सिखाती है कि हमको आगे अगर कोई इस तरीके की घटना हुई है तो उसको आगे हमको किस तरीके से हमारे वर्तमान को संवार के अपना भविष्य संवारना है। ये समझिए, समझ में आ जाती है। शासन प्रशासन ने अपना रोल निभा दिया और वो लोग जितना आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, मैं उनको सलाम करता हूं। क्या उनके उनके परिवार नहीं हो सकता है? वो दौड़ रहे हैं आपके लिए, पुलिस वाले हैं, मेडिकल लाइन के हैं, सारे लोग बिल्कुल लगे हुए हैं। वो तो घर से बाहर निकल रहे हैं, हम तो घर में बैठे बैठे ही धमा चौकड़ी मचा रहे हैं। अब वक्त आ गया है जब घर में भी आपको मास्क लगा के रहना है, घर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत जरूरी है। आप समझिए इस बात को और सहयोगात्मक रवैया अपनाइए। और हमको शासन को, प्रशासन को, जो लोग हमारे वॉलेंटियर बने हुए हैं उन सबको सपोर्ट करना है। जो लोग पॉजिटिव नेगेटिव है वो इसमें बहुत अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। मेरा ये निवेदन है कि आप अपने पास के 10 से 15 लोगों को भी अगर मोटिवेट कर सकते हैं आदतें बदलने के लिए, तो कोरोना तो क्या है, कोई दूसरी बीमारी भी हमारे यहाँ टिक नहीं पाएगी, मलेरिया का भी उन्मूलन हो जाएगा। आप समझिए इस बात को, बीमारी हमारी लापरवाही, हमारी दुस्साहस, हमारी जीत, हमारी अज्ञानता का प्रतीक है। ये समझने की कोशिश कीजिए। अब जो पॉजिटिव है उनके बारे में बात हो जाती है। जो पॉजिटिव है वे डरे नहीं, घबराए नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं, ये सिर्फ एक बीमारी है, छुआछूत की बीमारी है, उनके साथ उस तरीके का व्यवहार भी नहीं होना चाहिए कि आप दूर रहो। हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, प्रिकॉशंस पूरे रहो, पर उनसे नफरत नहीं करना, उनसे घृणा नहीं करना और डरना भी नहीं। जो नॉन नेगेटिव है, जो पॉजिटिव लोग हैं, अगर उनको पता लगता है कि कोई पॉजिटिव है तो बिल्कुल आप उनसे एक सोशल डिस्टेंस बना के उनको गाइड कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, उनको आप उनके घर वालों को मोरल सपोर्ट दे सकते हैं। उसको मोरल सपोर्ट की जरूरत है क्योंकि वो तो आइसोलेटेड है ना। आइसोलेटेड होना आप क्या समझते हो, काल कोठड़ी के बराबर है, मतलब वो अकेला व्यक्ति है, उसको मोरल सपोर्ट की जरूरत है। और उसका हिम्मत बढ़ाइए आप, और हिम्मत बढ़ाने की बात कीजिए, आत्मबल बढ़ाने की बात कीजिए। कोई भी बीमारी आपके दिमाग तक नहीं पहुंच सकती अगर उसको मोरल उसका बढ़ा हुआ है, आप उसको बुस्टअप कीजिए। आज काउंसलर की जरूरत पड़ गई, मैं सुशील कुमार जैन 9425046980। अगर आपको ऐसा लगता है अपने जीवन में, अगर आप कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, आपको कोई किसी भी तरीके का एलिमेंट है, कोई भी इस तरीके की आपको बीमारी है, डिसीज है, या कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं, या कोरोना के लक्षण आपको नजर आ रहे हैं, आप कॉन्टेक्ट कीजिए, आप मुझे बताइए, मैं आपको गाइड करूंगा। मैं मुझे जितना मैं आपको बता सकता हूं, जितना ज्ञान, जितना अनुभव मुझे है, उतना मैं कोशिश करूंगा आपको बुस्टअप करने की, आपके मोरल, आपको मोरल सपोर्ट देने की। और कोविड पॉजिटिव के बाद जब आप पूरा ट्रीटमेंट लेके वापस घर आते हैं, उसके बाद आपकी स्थितियां सामान्य कैसे हो, उसके लिए भी मैं गाइड करूंगा। एक लाइफस्टाइल हमको बदलना पड़ेगी और तभी ये हो पाएगा, और ये सबसे होगा, मुझे अकेले से नहीं होगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि अगर अपने आप को बचाना है, पूरे समाज को या पूरे देश को बचाना है, तो हम सबको साथ में आना होगा और इस बात को समझना होगा कि ये समय जो है ये बड़े पर्सनल डिसिप्लिन का समय है, अनुशासन वाला समय है। जिस अनुशासन को किनारे रखने की बात कर दी थी, उसी अनुशासन का समय है। अगर हमने अभी भी अनुशासित नहीं हुए, तब तक हम कोरोना से नहीं लड़ सकते। जो लोग बीमार है, भगवान से मेरी प्रार्थना है, ईश्वर से मेरा निवेदन है कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो। जो लोग हमें छोड़कर चले गए उनको सजल श्रद्धांजलि, उन सारी मृत आत्माओं को जिन्होंने अपनी जिजीविषा के साथ उस बीमारी से लड़ाई की, उसके बावजूद भी वो हार गए।
तो उन सभी को प्रणाम। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो उनको शाश्वत सुख प्रदान करें और इस बात को समझें कि जितने लोग जो पॉजिटिव हैं वो डरे नहीं, घबराए नहीं, हिम्मत से काम ले। COVID-19 किसी प्रकार का कैंसर नहीं है, ये इलाज, इसका इलाज नहीं आया है, पर हम अपनी आदतों को सुधार कर सही समय पर इसको रोक सकते हैं। बार बार आपसे कहा जा रहा है कि आपको अगर हल्का सा भी अगर इन्फेक्शन नजर आता है तो आप उसको नाक में रोकिए, आप गले तक रोक लीजिए, उसको अंदर तक, फेफड़ों तक मत जाने दीजिए। बस फेफड़ों तक वो गया और वो फिर अपना रूप दिखाना शुरू कर देता है, समझिए आप किसी बात को। बस अपने आत्मबल को जिंदा रखिए और बार बार अपने आप से कहिए, ये बार बार कहना है, सवेरे से उठ के कहना है कि मैं कोरोना को हरा कर COVID-19 से बाहर आऊंगा। पॉजिटिव लोग, मैं कोरोना को हरा कर COVID-19 से बाहर आऊंगा, बाहर आऊंगा, बाहर आऊंगा। कम से कम दिन में आपको 3 से 4 बार ये बोलना है और ये विश्वास जगाना है आपको कि मैं कोरोना को हरा दूंगा, COVID-19 से बाहर आऊंगा। और जो लोग नेगेटिव है, जिनको कोरोना पॉजिटिव है नहीं, वो कहे कि कोरोना मेरे पास भटक नहीं सकता, उसको मैं आने नहीं दूंगा, मैं अब अपनी आदतें सुधार लूंगा। अभी भी मुझे, मैं देखता हूं कि उसके बाद भी, इतना हो जाने के बाद भी हमारे आसपास हर जगह से खबर आ रही है, इस छोटे से 30,000 की आबादी वाले सरदारपुर राजगढ़ में जो परेशानी आ रही है, जिस तरीके से जो हो रहा है, जिस तरीके से लोग कोरोना के कारण कुछ कर रहे हैं, उसको समझने की जरूरत। लोग उसके बाद भी अपने किसी भी आयोजन को टालने या उस आयोजन को सीमित करने में या उस स्थिति को कंट्रोल करने में, नियंत्रित करने में सहयोगात्मक कदम नहीं उठा रहे। आप व्यवसायी हैं, बहुत अच्छे व्यवसायी हैं, व्यवसायी की अपनी सामाजिक उत्तरदायित्व होते हैं। आपका लक्ष्य हो सकता है पैसा कमाना, पर ये जो लक्ष्य है आपका, उसके साथ एक बंधन है आपके उत्तरदायित्व का कि आप किसी की के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते और आपको करना नहीं चाहिए। ये नैतिक दायित्व है और इस नैतिक दायित्व को समझिए आप। ये स्थितियां ऐसे ही नहीं बनी है और अभी भी नहीं समझे तो आपके आसपास, आपके घर तक पहुंच जाएगा, ये समझने की जरूरत है। जागो, उत्थिष्ठ, जागृत। अगर अभी भी जागृत नहीं हुए ना तो मानव प्रजाति जो है वो शर्मसार हो जाएगी। हम भारतवासी, युवा देश, 2014 में युवा देश, युवा देश, युवा देश, युवा ही नहीं बचेंगे, अगली पीढ़ी ही नहीं बचेगी, क्या कर लेंगे आप? कुछ भी नहीं कर सकते आप। पीढ़ियां तो हमने इसमें बर्बाद कर दी है, मोबाइल में। अगर इसको हम समझ लेते, इसको अपने जीवन से जोड़कर देख लेते अनुकूलन को, तो बिल्कुल समझ में आता है। और सब समझते हैं, अनुकूलन मीन्स एडाप्टेशन, अनुकूलन एंड एडाप्टेशन दैट मीन्स फिटेस्ट टू सर्वाइव। मतलब अब हमारे सर्वाइवल का प्रॉब्लम खड़ा होने जा रहा है, तो क्या है कि हमें सुधरना होगा। और आप सभी को यदि याद आ रहा है कि अनुकूलन शब्द आपने पढ़ा है, आप इसको समझते हैं, अगर नहीं है तो बस अपने आत्मबल को जिंदा रखिए। मैं कोरोना को हराकर COVID-19 से बाहर आऊंगा, ये दिन में 3 बार आप बोले, अपने आप में विश्वास रखें और बीमारी से लड़ने का जज्बा रखें। घबराए नहीं, अपने चिकित्सक की सलाह लें, आइसोलेट रहें, दूसरों के संपर्क में ना आए और अपने आप का मनोबल बना के रखें और संपर्क में रहें। देखिए, COVID-19 में जो पॉजिटिव लोग होते हैं, अब मैं टेक्निकल पॉइंट पे आ रहा हूं, ये 3 तरीके के मरीज इसमें होते हैं। शुरुआती दौर, जिसको माइल्ड कहा जाता है, जिसमें ऑक्सीजन का जो लेवल है या ऑक्सीजन का जो सेचुरेशन है, वो मतलब ऑक्सीजन का लेवल कम होता ही नहीं है,
बिल्कुल नॉर्मल रहता है, मतलब 100 से 95 के बीच में, ठीक है। और आपने अगर ये शुरुआत का दौर, मतलब जो शुरू के 2 या 3 दिन है ना, उसमें अगर आपकी ये स्थिति बन रही है और इस समय आपने बिल्कुल चिकित्सक की, अनुभवी चिकित्सक की या चिकित्सक की सलाह ले ली और व्यवस्थित प्रॉपरली आपने उस ट्रीटमेंट को लेना शुरू कर दिया है, नॉर्मल ट्रीटमेंट को, और आपने उन सारी अपने खुद की भी, जैसे गर्म पानी पीना है ना, गार्गल करना ये, और विटामिन डी विटामिन सी लेना, ये अगर आपने स्टार्ट कर दिया है तो आप इस जगह ही रुक जाएगा आपका, शुरुआती दौर में ही आप बिल्कुल ओके होके आ सकते हैं, ठीक है। और ऐसी स्थिति में जो लोग आते हैं और जो ठीक हो जाते हैं वो अपने आप को बहुत बड़ा पहलवान समझने लगते हैं कि नहीं, अपन तो कोरोना से निकल आया, कोरोना कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, बहुत आसान है। उन लोगों को भी अगर वापस से असावधानी रखते हैं, फिर से वही जिद वही लापरवाही वही दुस्साहस करते हैं तो उनको वापस से हो सकता है और बहुत सीवियर हो सकता है। दूसरे वाले में आते हैं, जब ये शुरुआती दौर निकल के आपने दिन निकाल दिए, 5वें दिन 6वें दिन आ गए, तो यहां क्या होगा, 5, 3rd, 4th दिन से ही आपका जो O2 का कंसंट्रेशन है, ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो लेवल कम होता चला जाएगा। लेवल कम होगा, अगर ऑक्सीजन आपकी बॉडी में कम होगी तो सीधा सीधा गणित है कि ऑल केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन द बॉडी, वो सारी जो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हमारे जीवन की जो सबसे इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक जो रिएक्शन है वो सारी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो होती है। जैसे ही आप सांस, आपकी ऑक्सीजन कम हुई, आपका ब्लड प्यूरिफिकेशन मतलब आपका रक्त का शुद्ध होना कम हो जाएगा। रक्त का शुद्ध होना कम हुआ क्योंकि हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है, रेस्पायरेशन जो है, रेस्पायरेशन डाइजेशन का एक हिस्सा है। रेस्पायरेशन ही तो बर्निंग ब्रेकडाउन ऑफ द फूड करता है, वही तो खाने को पचाने में ऑक्सीजन देता है, और ऑक्सीजन बर्निंग ब्रेकडाउन ऑफ फूड होकर वही तो एनर्जी रिलीज करता है, वही कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। तो ऑक्सीजन ही कम है तो फिर आपका डाइजेशन बिगड़ा, ठीक है, डाइजेशन बिगड़ा वहां जाके वो अंदर तक दिक्कत करेगा। ऑक्सीजन का लेवल कम होना मतलब आप थोड़ी सी ऐसी कंडीशन में आ रहे हैं कि जहां पर आपको ज्यादा कंट्रोल की जरूरत है। घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, उस बीमारी से फाइट करने की जरूरत है, अपनी आदतों को सुधारने की जरूरत है, अपने आप को बूस्टअप करने की जरूरत है और ट्रीटमेंट वगैरह सब प्रॉपर लेने की जरूरत है। और ये भी समय आपने निकाल दिया, अब आप आ गए कहां से, 5वें दिन के बाद आप 7वें 8वें दिन डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो वो चिकित्सक क्या कर लेगा आपका, क्या कर लेगा वो कोई भगवान तो है नहीं। दूसरी बात, आपको ये समझना चाहिए कि कोरोना का कोई ट्रीटमेंट अभी तक नहीं है, वैक्सीन आया है, वैक्सीन लगा के भी बल्लम बनने की जरूरत नहीं है। हमको वैक्सीन लगाने के बाद भी वही कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा। आप उस स्थिति में आ गए हैं जहां अब आप भी घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, चिकित्सक को भी डर रहता है, उसके सामने परेशानी यह है कि वो करे तो क्या करे, क्या करे कि ना करे कि कैसी मुश्किल है। आप समझने की कोशिश करिए, उसकी मनस्थिति को जानने की कोशिश करिए, और उसके बाद भी डरने की जरूरत नहीं है, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, आत्मबल कमजोर करने की जरूरत नहीं है। आपके शरीर में बीमारी आई है, उसको दिमाग तक मत पहुंचाइए। दिमाग तक आपने पहुंचाया है, आप गड़बड़ करेंगे। आप सांस लीजिए, आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही, उल्टे लेट के लीजिए, वो सारे तरीके जो है उनको अपनाइए। तो इस बीमारी से लड़ने का सबसे कारगर उपाय, पहली बात, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सबसे बड़ी बात है कि आप उसको अंदर घुसने ही नहीं दे, घुसने ही नहीं दे तो फिर वही बात, मास्क लगाइए, सैनिटाइज करिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, नो ट्रेवलिंग, नो कॉन्टेक्ट, नो पर्सनल कॉन्टेक्ट। जितना आप अपने आप को बचा के रखेंगे उतना आप सेफ रहेंगे, ये मेरा निवेदन है। और यदि आपको ऐसी स्थिति, ऐसी कोई अप्रिय स्थिति आपके साथ निर्मित होती है, आप सुशील कुमार जैन को जिला समन्वयक 2021 ईयर ऑफ
अवेयरनेस साइंस हेल्थ 2021, साइंस सेंटर ग्वालियर भोपाल एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली जॉइंट वेंचर 9425046980 पे कॉल करिए। मैं आपको जितना मुझसे बन सकता है मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा, आपका मोरल सपोर्ट, आपको मोरल सपोर्ट देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।